ये देखा था कि ट्री सेट में हम कैसे कस्टम सॉर्टिंग कर सकते हैं, लाइक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ इंटीजर अगर दिया जाएगा तो उसको हमको सॉर्टिंग करना हो तो कैसे कर सकते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था। लेकिन हम इस वीडियो हम जानने वाले हैं कि अगर ट्री सेट में हमको अगर एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, लाइक फॉर्मर स्टूडेंट एंड पर्सन दिया, उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज हो जैसे कि नेम, एज, और उस बेसिस पे अपने को सॉर्टिंग करना हो तो हम कैसे करेंगे, इस वीडियो हम जानेंगे विद प्रॉपर डिटेल से। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, उस क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करूंगा, जैसे कि वो प्रॉपर्टीज क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली हमारा ये प्रोजेक्ट है सेट ट्यूटोरियल, और इसके पास ये पैकेज है com.siam.t/demo, इसके अंदर राइट क्लिक करूंगा यहाँ पर एंड यहाँ से क्लास पे क्लिक करूंगा, और क्लास पे आने के बाद सिंपली मैं यहाँ से पर्सन क्लास को क्रिएट करूंगा। ओके, और यहाँ से इसको इस प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को अभी के लिए मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, जिसमें पूरी स्क्रीन पर ये कोड ही दिखूँ। और यहाँ पर मैं सिंपली एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ सबसे पहले, और उसका एक देता हूँ नेम, एंड यहाँ से एक ले लेता हूँ इंट, और उसको सिंपली देता हूँ एज। ओके, एज। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर्सन में हमने दो वेरिएबल डिफाइन किया, जिसका पहला वेरिएबल नेम है नेम एंड दूसरा है हमारा एज। अब इन क्या करेंगे, सबसे पहले इसके गेटर सेटर एंड कंस्ट्रक्टर एंड को क्रिएट करेंगे। तो ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए इक्लिप्स ने हमें बहुत ही सपोर्टिंग टूल्स दिया, जैसे कि यहाँ राइट क्लिक करिए, सोर्स पे आइए, अपने को गेटर सेटर क्रिएट करना है तो यहाँ पर देखिए सिंपली लिखा है जनरेट गेटर सेटर, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ से सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करिए, जितनी भी आपका वेरिएबल डिफाइन कर देखिए वो पूरे पूरे सेलेक्ट हो गया, और यहाँ से सिंपली नीचे में जनरेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए हमारा गेटर एंड सेटर उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए जनरेट हो गया। इसी तरीके से हम कंस्ट्रक्टर को भी क्रिएट कर सकते हैं, अगेन यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, सोर्स पे आएंगे, और सोर्स पे आने के बाद देखिए दो तरह का गेटर सेट होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर अपने को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है तो सिंपली क्लिक करिए जनरेट कस्टम यूजिंग फील्ड। ओके, तो आपको किस किस फील्ड के लिए जनरेट करना है पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर, उस पूरे फील्ड को सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दे तो वो ऑलरेडी सेलेक्ट ऑल है, और यहाँ से जनरेट यूज करेंगे तो देखिए जितनी भी हमारा वेरिएबल था उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, चाहे तो नॉन पैरामीटराइज भी कर सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ पर जरूरत है नहीं अभी के लिए। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से हमने एक पर्सन क्लास को डिक्लेयर कर दिया। हम आते हैं अपनी मेन क्लास में सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ से हमने सिंपली एक मेन मेथड को डिक्लेयर कर दिया है। ओके, अब हम क्या काम करते हैं, एक ट्री सेट को सिंपली सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ। ओके, एंड इस पर्टिकुलर ट्री सेट को हमारे जावा ट्यूटोरियल पैकेज से आना चाहिए, और इसके अंदर जो अब हम पैरामीटर लेने वाले हैं ना स्ट्रिंग ना ही इंटीजर, अब हम लेने वाले हैं पर्सन, क्योंकि इस पर्टिकुलर ट्री सेट में हम जो स्टोर करने वाले हैं वो है पर्सन ऑब्जेक्ट को। ओके, तो सिंपली इसको मैं एज ए ट्री देता हूँ इक्वल टू न्यू, एंड यहाँ से ट्री सेट ले लेता हूँ और इसको पास कर दिया। अब हम क्या काम करेंगे, इस पर्टिकुलर ट्री सेट में कुछ एलिमेंट को स्टोर करते, तो इस तरीके से हमने कुछ एलिमेंट को स्टोर कर दिया ट्री डॉट एड, एंड इसके अंदर न्यू पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके अंदर नेम एंड एज को डालकर इस तरीके से हमने चार ऑब्जेक्ट को इस पर्टिकुलर ट्री सेट में स्टोर कर दिया। ओके, अभी हमारा चारों एलिमेंट स्टोर हो गया, लेकिन अभी अगर मैं इसको रन करूं तो यहां से आपको एक्सेप्शन मिलेगा। ओके, अब वो एक्सेप्शन क्यों मिलेगा उसके बारे में पूरा डिटेल्स तो नहीं बता, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको जानकारी भी दे दूंगा। ओके, रन क्लिक करूंगा एंड जावास्क्रिप्ट में जैसे हिट करूंगा यहां से देखिए एक्सेप्शन आ जाएगा। वो एक्सेप्शन क्या रहा है, जावा डॉट लैंग डॉट क्लास कास्ट एक्सेप्शन। ये क्या कह रहा है, जो पर्सन है वो पर्सन जो भी है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक कोई कंपैरेटर क्लास को यहाँ पर यूज़ करें, जैसे बाय डिफॉल्ट मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, देखिए स्ट्रिंग ये क्लास है। ओके, और इसके इम्प्लीमेंटेशन पे मैं सिंपली जाता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ से बाय डिफॉल्ट जो हमारा स्ट्रिंग क्लास है वो किसको कर रहा है, इम्प्लीमेंट कंपेरेबल इंटरफेस को कर रहा है, कंपेरेबल इंटरफेस को, इसीलिए यहाँ पर वो कंपेयर मेथड को यूज़ कर पाता। इस अभी के समय हमारा क्या, जो ये पर्सन क्लास है इसके पास कोई भी पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग क्लास को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, जिस कारण वो एक्सेप्शन आ रहा है। अगर यहाँ पर हम वो इंप्लीमेंट कर दे तो एक्सेप्शन गायब हो जाएगा। ओके, तो इसलिए अगर आप डायरेक्ट भी यूज करें तो ये एक्सेप्शन आएगा। इसके में एक होल थ्योरी है, लेटर वीडियो में अगर आपको चाहिए इसके बारे में होल कॉन्सेप्ट आ सकता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है, जैसे कि इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, जो भी प्रेपर क्लासेस है आप उसको देखिए तो वो बाई डिफॉल्ट इन कंपेरेबल को इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, अब अपनी टॉपिक पर बात करते हैं कि कैसे हम इस ऑब्जेक्ट को सॉर्टिंग कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट क्लास को क्रिएट करेंगे जिस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सॉर्टिंग करें। ओके, तो सिंपली यहां से मैं लेता हूं क्लास और यहां पर देता हूं
पर्सन सॉर्टिंग सिंपली इसका मैं नाम दे देता हूँ, ओके पर्सन सॉर्टिंग, और यहाँ से मैं इसको इम्प्लीमेंट करा देता हूँ। कंपेरेबल इंटरफेस को यहाँ से सिंपली मैं इसको करूँगा। अब यहाँ पर जो कंपेरेबल इंटरफेस हम कौन पैरामीटर पास करेंगे, जो हमारा ट्री सेट जिस टाइप की डाटा को होल्ड करा उसी टाइप को यहाँ से हम इसको इसके अंदर पास कर देंगे। ओके तो पर्सन था, हमने पर्सन दे दिया। अब हम जानते हैं कि ये कंपेरेबल जो है एक इंटरफेस है, इंटरफेस पास जो भी मेथड होती है अगर कोई क्लास उसे इंप्लीमेंट करे उस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके मेथड को बॉडी प्रोवाइड करना, अगर नहीं चाहते तो उसको क्लास हमको एज ए अब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके तो इसको सबसे पहले इस मेथड को हम इंप्लीमेंट करते हैं। इसके पास कंपेयर टू मेथड है। ओके अब ये कंपेयर मेथड यहाँ से जो अपन को यूज करना था कंपेरेटर यूज करना था, सॉरी कंपेरेबल नहीं यूज करना था, यहाँ से कंपेरेटर यूज करना था। कंपेरेटर यूज करिए, ओके यहाँ से अपने को कंपेरेटर यूज करना है ना कि कंपेरेबल। ओके तो यहाँ से अगेन आएंगे और यहाँ से कंपेरेटर को यूज करेंगे। ओके कंपेरेटर भी एक तरह का इंटरफेस ही है जो कि पर्टिकुलर मेथड कंपेयर रखता है जो कि रिटर्न टाइप करता है जे इंट। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आ गया हमारा पर्सन को, इसी बेसिस पे अपने को सॉर्टिंग कराना है। ओके तो सबसे पहले अपने को जो सॉर्टिंग कराना है वो एज बेसिस पे कराना है, राइट, सॉर्टिंग बेस ऑन एज। ओके अब अपने को जो हमारा एज जिसमें भी है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में दिखाते हैं, उसके लिए क्या करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम आएंगे लिखेंगे इंटीजर, ओके डॉट, और यहाँ से यूज करेंगे कंपेरेटर कंपेयर। अभी हमारा क्या रहेगा, हम चाहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में जो इसकी एज सबसे कम हो वो पहले हमें ऑब्जेक्ट दिखे, तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे ओ टू डॉट गेट एज। ओके इसलिए हमने यहाँ पर गेटर मेथड यूज किया था कि अपने वैल्यू को गेट कर सकते हैं, इसीलिए इसको हमने गेटर मेथड को यूज किया है। ओके वहाँ पर जनरेट किया था उस समय ओ वन डॉट गेट एज। अभी क्या करें, हम दोनों ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेगा उसके वैल्यू को एज को कंपेयर करेगा। ओके अभी ये कंपेरिजन होगा उसके बेसिस पे डाटा को ट्री सेट में स्टोर कर देगा। ओके यहाँ से आप क्या करेगा, आप इस पर्टिकुलर पर्सन सॉर्टिंग के ऑब्जेक्ट को अपने को पास कहाँ करना पड़ेगा, एज यूजल इस ट्री सेट के कंस्ट्रक्टर में। तो सिंपली यहाँ पे न्यू आएंगे और यहाँ से पर्सन सॉर्टिंग की ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके इस ट्री सेट में एज ए हम कंस्ट्रक्टर वैल्यू टाइप में इसको डाल देंगे। जैसे यहाँ से मैं राइट क्लिक करो रन एज जावा एप्लीकेशन पे करूँगा तो यहाँ से आप देखिएगा अपने को कुछ आउटपुट मिलेगा। ओके यहाँ से आउटपुट नहीं दिखा तो सिंपली विंडो पे आइए एंड कंसोल पे क्लिक करिए और यहाँ से कंसोल पे क्लिक करिए तो यहाँ से ये चला आएगा। अभी देखिए क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं प्रिंट ही नहीं किया हूँ, तो सबसे पहले इसको मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ से। ओके सिस्ट आउट करना पड़ेगा अपने को एंड कंट्रोल स्पेस देंगे और इसके अंदर सिंपली ट्री को पास कर दूंगा। जैसे ही राइट एंड रन एज जावा एप्लीकेशन पे आऊँगा और हिट करूँगा तो यहाँ देखिए ये ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया, कॉम डॉट श्याम डॉट ट्री डॉट डेमो पर्सन, ये पर्सन क्लास की ऑब्जेक्ट जो वो प्रिंट हो रहा है, उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है। ओके ऐसा क्यों, क्योंकि जो पर्सन क्लास के हम ऑब्जेक्ट रिफरेंस को प्रिंट कर रहे हैं तो उसको अगर आपको वैल्यू देखना है तो इसके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू क्या है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू क्या है, इसके लिए अपने को टू स्ट्रिंग मेथड को यूज करना पड़ेगा। ओके तो बाय डिफॉल्ट जो अभी टू स्ट्रिंग मेथड का हो ऑब्जेक्ट क्लास की हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर हमारा इस पर्सन क्लास का हो, तो इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर टू स्ट्रिंग जनरेट कर देंगे। नीचे आएंगे यहाँ से राइट क्लिक करेंगे सोर्स पे आएंगे और सोर्स पे आने के बाद यहाँ पर देखिए जनरेट टू स्ट्रिंग लिखा है, इस पर सिंपली क्लिक करिए और यहाँ जो भी आपका फील्ड है जैसे नेम एज उसको सेलेक्ट करके यहाँ से जनरेट पे क्लिक करिए तो हमारा टू स्ट्रिंग जनरेट हो गया। अब जैसे ही वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस प्रिंट होगा तो इस टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल होगा और यहाँ से पर्सन के अंदर नेम और जो नेम की वैल्यू होगा उसका वैल्यू आ जाएगा और जो एज का वैल्यू होगा वो एज का वैल्यू अपने को प्रिंट करके दिखा देगा। ओके तो यहाँ से अगेन आते हैं राइट क्लिक करते हैं रन एज जावा एप्लीकेशन पर सिंपली हिट करता हूँ और यहाँ देखिए पर्सन नेम में संगम और एज 24 आ रहा है, ये क्या है असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ओके तो यहाँ क्या हो कि जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जिसकी जिस एज की है जिस सबसे ज़्यादा एज है वो पहले आ गया, देन इसके बाद देखिए 24 है, देन यहाँ पर 22 है एंड जो ये पर्सन अंजलि है इसकी एज है 21 एंड लास्ट में जो पंकज है उसकी एज है 16। तो ये हमारे क्या हुआ असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अगर इसी को अपने को ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर था, अब इसी को अपने को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सिंपली यहां से क्या करके हमको ये पहला ऑब्जेक्ट पास करना है, A1 ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा और यहां पर A2 ऑब्जेक्ट पास कर देंगे तो ये हमारा एज किस बेसिस पे सॉर्टिंग हो जाएगा, एज के बेसिस पे होगा सॉर्टिंग किस ऑर्डर में हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे इसका कम एज होगा वो हमको यहां से पहले आ जाएगा। रन आ जाएंगे जावा एप्लीकेशन सिंपली हिट करूंगा और यहां देखिए
पंकज की 16 है सबसे पहले आएगा, और सबसे ज़्यादा एज किसकी है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं संगम की 24 है, तो इस तरीके से ये आ गया। तो ये तुम्हारा आ गया एज बेसिस पे सॉर्टिंग। ओके, अगर हम चाहते हैं कि नेम बेसिस जो हमारे इसमें प्रॉपर्टीज है उस बेसिस पे सॉर्टिंग करना है तो कैसे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से एक नेम बेस लिखते हैं, ठीक है। आपको यहाँ दिखाता हूँ, सबसे पहले एक रिटर्न टाइप हमको पास करना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ से क्या करना है हम जो भी चाहते हैं वो नेम बेसिस पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले देंगे ओ टू डॉट गेट, यहाँ से नेम पास कर देंगे डॉट, और यहाँ से सिंपली हम पास करेंगे कंपेयर टू को यूज करेंगे। ओके, कंपेयर टू, और यहाँ से यूज करेंगे हम ओ वन डॉट नेम। अब ये हमको एक पूरी सॉर्टिंग ऑर्डर हम देगा। अब सॉर्टिंग ऑर्डर क्या रहेगा, तो यहाँ सिंपली राइट क्लिक करते हैं, रन है जावा एप्लीकेशन पे आते हैं। अब हमारा होगा नेम बेसिस पे, देखिए। अब जब से सबसे पहले आएगा यहाँ से, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो सबसे पहले नेम हमारा क्या हो गया, श्याम आ गया। देन इसके बाद हमारा देखिए संगम आ गया। ओके, एंड इसके बाद हमारा आ गया नेम पंकज, एंड पंकज के बाद हमारा नेम आ गया अंजलि, जो ए से स्टार्ट हुई सबसे लास्ट में आ गया। तो ये अपने को डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रहा है। अगर अपने को असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो सिंपली यहाँ पर अपने को क्या यूज करना है, ए वन यूज करना है एंड ओ टू यूज करना है। एंड यहाँ सिंपली रन एज पे आएंगे, एंड जावेल को जैसे हिट करूंगा तो अब देखिए हमारा नाम पहले अंजलि आ गया, एंड देन इसके बाद हमारा पंकज आ गया, एंड संगम आ गया, एंड लास्ट में अपने को श्याम आ गया। तो इस तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसके कोई भी वेरिएबल है उसके बेसिस पर आपको सॉर्टिंग करना है तो ऐसे आप सॉर्टिंग कर सकते थे। आई होप आपको इस होल वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।